ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटता ही जा रहा है। हाल ही में यूएन ने भी भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा दिया है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अमेज़न का भारत में निवेश करना देश के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल जेफ बेजोस इस वक्त भारतीय दौरे पर हैं। ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का भारतीय दौरा काफी विवादों में है। इस दौरे पर जेफ बेजोस का जमकर विरोध हुआ, तो वहीं केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल की ओर से भी तीखे बयान आए। They may have put in a billion dollars, but then if they make a loss of a billion dollars every year, then they jolly well have to finance that billion dollars. So it's not as if they are doing a great favor to India when they invest a billion dollars. मेरे पूरी बात के परिपेक्ष को देखें, तो मेरा कहना ये है कि निवेश आए, लेकिन जो निवेश के कायदे कानून है उस कायदे कानून के अंतर्गत आए। और ये पूरी दुनिया में यही है, कोई भी निवेश कोई भी दुनिया में करता है तो उस देश के कायदे कानून के दायरे में होते हैं। आज हमारे देश में ई कॉमर्स के कुछ कायदे कानून हैं, उस कायदे कानून के दायरे में जो भी निवेश आए उसका स्वागत है। लेकिन इसी बीच जेफ बेजोस ने देश में एमएसएमई बिजनेस को डिजिटलाइज करने के लिए 7100 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही और 2025 तक 71,000 करोड़ रुपए के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का एक्सपोर्ट करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही अमेज़न ने अगले 5 साल में 10 लाख नई नौकरियों की योजनाओं के बारे में बताया। अमेज़न की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कंपनी भारत में प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक नेटवर्क में निवेश करेगी। अमेज़न की योजना इसके माध्यम से नए रोजगार पैदा करने की है। कंपनी ने कहा कि ये रोजगार पिछले 6 साल में उसके निवेश से पैदा हुए 7 लाख से ज्यादा रोजगार से अलग है। इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों शामिल हैं। इसके अलावा अमेज़न जल्द ही भारत में प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक अमेज़न 10,000 ई रिक्शाएं बनाएगा। वहीं कंपनी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी खत्म करने का ऐलान किया है। इस बीच पीयूष गोयल ने अमेज़न द्वारा भारत में $1 अरब के निवेश पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को ऐसे बताया जा रहा है जैसे उन्होंने अमेज़न के खिलाफ कुछ कहा है। ई कॉमर्स को लेकर हर देश का एक कायदा कानून होता है, उस कायदे कानून के दायरे में जो भी निवेश आया उसका स्वागत है। गोयल ने आगे कहा कि भारत के छोटे व्यापारियों के सामने एक अनफेयर कंपटीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दरअसल पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा था कि अमेज़न भारत में निवेश कर कोई एहसान नहीं कर रही। उन्होंने अमेज़न की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ई कॉमर्स कंपनी को इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों को भारतीय नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्हें कानून में सुराख ढूंढकर पिछले दरवाजे से भारतीय मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने $1 अरब के निवेश का ऐलान किया था।